The students of BSc Agriculture part second, आज हम डिस्कस करेंगे अजोला के बारे में। अजोला एक तरह की फर्म होती है और इसकी सिक्स स्पीसीज होती है अपने इंडिया में। अजोला पिन्नाटा सबसे प्रमुख रूप से पाए जाने वाली स्पीसीज है। धान के खेत में जहाँ पानी भरा रहता है ये फर्न बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और साथ ही साथ में पेड़ी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है और अपना पर्पज लाइव स्टॉक को ग्रीन फॉरेज के रूप में एजोला खिलाने से रिजल्ट आए हैं कि काफ़ी फ़ायदा रहता है, क्योंकि इसके अंदर ड्राई मैटर बेस पे 20% के आसपास क्रूड प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो प्रोटीन सोर्स के रूप में अजोला काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। पौंड बना करके या नमी वाली जगह पर इसको आराम से उगाया जा सकता है, जहाँ पानी भरा रहता है वहीं हो जाता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। सीड के रूप में इसका इस्तेमाल करके एक बार जैसे फैलती है काई वैसे तेज़ी से फैलता है ये, इसको फर्न की श्रेणी में रखा गया है। रिजल्ट आया है कि सामने है, पशु इसको बड़े चाव से आराम से खाते हैं, सूखे चारे के साथ भूसे के साथ इसको मिला के खिला सकते हैं, साथ ही साथ में दाने जो मार्केट में जो दाना मिलता है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में भी अजोला काम ले सकते हैं। एक बार सीड लाने के बाद बड़े आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं, सब्सिडी भी इसके ऊपर है। आप शीट लेकर के और अपने गोल या चौकोर एक पौंड बना करके पानी भर दें, उसमें इसको छोड़ दें तो आराम से 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर तेज़ी से ग्रो करता है, आराम से उग जाता है, ज़्यादा इसमें देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इसको पोटास और फास्फोरस का थोड़ा सा फीड की ज़रूरत होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एटमोसफेयर से, वो इसलिए इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। एनिमल फीड में लाइफ स्टॉक फीड में एजोला खिलाने से गर्मी के दिनों में मिल्क प्रोडक्शन में इसकी ग्रोथ देखी गई है। गाय को भैंस को भी एनिमल हैं, इसको हम एजोला खिला करके और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए आप अपने फार्म घर पर फार्म पर एनिमल्स को एजोला खिलाएं और साथ साथ फार्मर्स को भी बताएं कि एजोला खिलाने के प्रोटीन का सोर्स है और बाज़ार में मिलने वाला आहार है उसमें आप 20-25% तक कटौती कर सकते हैं, यानी 20-25% फ़ायदा आप ले सकते हैं अगर एजोला खिलाते हैं तो ये एजोला के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। थैंक यू वेरी मच।